क्योंकि यहाँ पर शाम को एक भूत आती है, सच है। हमारे साहिल भाई जो है वो आने वाले 2 साल बाद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त है मसूदी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो खास करके मेरे सब्सक्राइबर्स को ईद मुबारक जो मुझे सपोर्ट करते हैं। यहां पे हम 6:30 AM को ईदगाह में नमाज पढ़ेंगे, तो ये चलते हैं। तो और एक सरप्राइज़ आपके लिए भी है। तो आज मुझे ऐसे जाना है श्रीनगर, ये नहीं मैं बोलूँगा किस लिए जाना है, आपको पता चलेगा। तो जल्द से जल्द मैं कपड़े बदल लेता हूँ और जल्दी मैं कुछ चाय वाय पीता हूँ। तो जी मैं अब बाल वाल ठीक करता हूँ और चलेंगे हम ईद नमाज पढ़ने। ईद मुबारक है। जी चलते हैं हम ईद नमाज पढ़ने। अभी आप देखेंगे इसको क्या करना है। देखो जी हमारे यावर भाई इसको अब नहलाएंगे यहाँ पे। हाँ जग दियो जग दियो जी जग उन मुझसे ठीक तेरी सब बनते हैं मुझसे। वेरी गुड जग ही होता है मुझसे आने। हमारा बेड रात को इन दिनों यावर भाई के यहाँ ही रहता था क्योंकि इनको जगह होती है इनकी। तो जी मैं निकला हूँ श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर के बाद मुझे नानी हाल भी जाना है। सामने हमारे सब्सक्राइबर और हमारे पार्टनर अरिज भाई है। सब्सक्राइब करिए हमारे मसूदी व्लॉग्स चैनल को। तो जी निकलते हैं हम श्रीनगर की तरफ। मैं पहुंच गया हूं कांचपुरा, लेकिन मामू अभी यहां पे नहीं पहुंचे, लेकिन ऊपर वाले ने भी मेरे लिए क्या इंतजाम रखा है। ऊपर से अम्ब्रेला और चेयर भी रखी है और मैं मस्त छांव में बैठा हूँ क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा धूप है। मामू का अभी 10-15 मिनट लगेंगे। मामू भी मेरे साथ श्रीनगर, मैं उन्हीं के साथ श्रीनगर जा रहा हूँ मामू के साथ। अब मैं आपको बोल ही देता हूँ, हम जी हैं इस वक्त श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। हमारे साहिल भाई जो हैं वो आने वाले 2 साल बाद। आज 2 साल बाद, 2 साल बाद साहिल भाई आ रहे हैं। तो मैंने चेकिंग वेकिंग करवा ली, अब मामू अंदर है और फहीम भी। चलो जी ठीक है, मिलते हैं एयरपोर्ट में। अभी हम बाहर ही गेट के पास। उल्टा रोट चार कह रहे नहीं था
अच्छा उल्ट क्या ई क्या के पत उल्ट ई ई कई एकी सा एकी सा दा बुझल एकी बुझल ईमान दा बुझल एकी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अलबरीस और आज मैं आई हूँ अपने ननिहाल। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी जगह है, ये पीनिया की जगह है। अगर आप पहली बात, अगर आप चैनल पर नए आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर मेरा ये भैया है, मकसद नहीं भूल ये बोल रहा है, मकसद नहीं भूल रहा। पानी क्यों फेंक रहे हो? हेलो अरबा, देखो आपका प्यारा आता ही नहीं है कोई कांकन। और ये है मेरे मामू का बेटा, ये आया है कजाकिस्तान से, कल आया था ये कजाकिस्तान से, मुझे बहुत खुशी हो रही है। साहब मसूदी को देखो, चला रहा है गाड़ी, निकाली इसने गाड़ी, हमें भी जाना पड़ेगा पीछे पीछे। आज साहब मसूदी बिजी थे, उस वजह से मुझे व्लॉगिंग करनी पड़ी। इसने बोला नहीं तुम ही करो, उसने मुझसे इतनी जिद की है ना, तुम ही करो आज व्लॉगिंग। तो अब मैं जा रही हूँ अपने साथ मसूदी के साथ प्रैंक करने। मैं बोलूँगी इसको टांग, क्या हुआ आपको? मुझे लगी नहीं लगी यार, झूठ मत बोलो। मज़ा आ रहा है और यहाँ पर मुझे मज़ा इतना आ रहा है ना, हद से ज़्यादा इतना। आप लोगों को शायद मुझे घर पर भी नहीं आता, मुझे ज़्यादा खुशा मसूरी के साथ आता है मज़ा। और खुशा मसूरी के साथ कुछ अलग ही व्यू आता है, मुझे व्यू नहीं अच्छा मज़ा आता है। तो जैसे मैं पार्टी कर रही हूँ, पार्टी देखो यहाँ पर मुझे एक ही खाने की पसंद लगती है, वो है अखरोट। यहाँ पर मिलते हैं, मैं उतार ले जाती हूँ। न्यूल अखरोट का नाम सुना होगा ये हमारा अपना पेड़ है यहाँ, इसको बोलते हैं ढूंढ। यहाँ पर जब शाम होती है ना, हमें सिर्फ बड़े निकल सकते हैं, बाहर हम लोग नहीं, हमें निकलने नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर शाम को एक भूत आती है। सच है, मुझ में एक दिन भूत, मुझ में नहीं, मेरी बहन में चला था एक दिन भूत। तो ईद के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी भी रीज़न से मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।